नमस्कार। आगे बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, अध्याय चार, इसको अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसमें हमने इम्यूनोग्लोबिन के बारे में पढ़ लिया था, जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज के बारे में हम इसमें पढ़ रहे थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षियों के प्रकार, ठीक है। इसमें हमने पढ़ लिया था आईजीए के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, आईजीजी के बारे में पढ़ लिया था, दो हमने पढ़ ली थी, एक तो आईजी ए इम्यूनोग्लोबिन ए, ये प्रतिरक्षियों के टाइप है, एंटीबॉडीज के प्रकार है, सबसे पहले हमने पढ़ी थी आईजीए, और दूसरे नंबर की हमने पढ़ी थी आईजी जी, एम नहीं पढ़ी थी हमने, आईजीजी पढ़ी, ये दो दो हमने कर ली थी पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। इनकी कुछ खास बातें थी वो भी हमने देख ली थी, कि जो आईजीए थी, ये आईजीए की खास बात क्या थी कि ये मां के दूध आती है, नवजात शिशु को जो दी जाती है, जो मां का दूध होता है उसमें ये उपस्थित होती है आईजीए, ठीक है। तो नवजात शिशु को जो सुरक्षा प्रदान करेगी, उसकी से जो सुरक्षा, उसकी जो इम्यून सिस्टम को जो बढ़ाएगी, प्रतिरोधी तंत्र को जो विकसित करेगी, वो कौन होगी, आईजीए। तो उसमें तो थी आईजीए, एक हमने देखी थी आईजीजी। आईजीजी की खास बात क्या थी कि ये क्या करती है, प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती, ये प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण में पहुंच जाती है, प्लेसेंटा से भ्रूण में पार चली जाती है ये। तो ये भ्रूण को, भ्रूण का जो इम्यून सिस्टम होता है, उस इम्यून सिस्टम को विकसित करने का काम कौन सी इम्यूनोग्लोबिन करेगी, आईजीजी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईजीएम की, नंबर तीन आईजीएम। देखो पहली चीज, जो आईजीएम है ये पंचलक होती है, ठीक है, पेंटामर होते हैं इसमें, तो आईजीएम है यह है पंचलक संरचना है, पहली बात, कैसी संरचना है, पंचलक संरचना आईजीएम, ये किससे बनती है, म्यू श्रृंखला से, म्यू श्रृंखला से निर्मित होती है, या म्यू श्रृंखला से बनती है ये, ठीक है। दूसरी बात इसकी, तीसरी बात यह प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है, जो प्रथम पंक्ति में जो कहा जाता है वो यह है, यह है प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है, अर्थात सर्वप्रथम बनती है, सर्वप्रथम इसी का निर्माण होता है, तो सर्वप्रथम बनने वाली प्रतिरक्षी कौन सी होगी, आईजीएम। अब आती है आईजीई, नंबर चार आईजीई, आईजीई एकलक संरचना है, ठीक है, और एप्साइलॉन श्रृंखला, एप्साइलॉन श्रृंखला से बनती है, या एप्साइलॉन श्रृंखला होती है आईजीई। और आईजीई की तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि यह एलर्जी के समय बनती है, श्रृंखला है, होती है, तथा एलर्जी के समय
बनती है। कब बनेगी? एलर्जी, जब कोई भी एलर्जी का एंटीजन आएगा या एलर्जी किसी भी पदार्थ से एलर्जी की होगी उस समय इसका निर्माण होगा आईजीई का, ठीक है। और नंबर पांच और नंबर लास्ट है आईजीडी, आईजीडी यह भी कैसी होती है? एकलक संरचना है, मोनोमर है, और यह डेल्टा श्रृंखला से निर्मित होती है। कौन सी श्रृंखला से? डेल्टा श्रृंखला से। डेल्टा श्रृंखला से बनती है, इसका निर्माण डेल्टा श्रृंखला से होता है। तो ये पांचों प्रकार के प्रतिरक्षी यहां पर आपके सामने आ चुके हैं। नोट करते रहें आप। अब देखिए, अब कल हम संरचना की बात कर रहे थे कि जो एंटीबॉडी की संरचना किस प्रकार की होती है, एंटीबॉडी किस प्रकार की बनी होती है, तो उसके लिए देखिए अब एक वीडियो आएगा आपके सामने, उसको आप देखिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है ये वीडियो, यहां देखिए स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबुलिन इट मींस एंटीबॉडीज की संरचना की ही बात कर रहे हैं अब हम। यहां पर देखिए इसमें एक आईजी ग्लाइको प्रोटीन और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से बनी होती है जो फोर श्रृंखलाएं होती है, ठीक है। इसमें एक एक लाइन ध्यान से जाइए, फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स विच फॉर्म ए वाई शेप्ड मॉलिक्यूल, चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होंगी जो वाई शेप अणु का निर्माण करेंगी, एक वाई के आकार के अणु का निर्माण करेंगी। देखिए आगे क्या है, इस प्रकार से ये देखिए ये वाई शेप संरचना यहां पर आपको दिखाई दे रही है, यहां कुछ ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दिखाए हुए हैं, डाइसल्फाइड बंध यहां पर दिखाए हुए हैं। संरचना और आगे देखिए आप ध्यान से, टू लॉन्ग एच और हैवी चेन्स, हमने पढ़ा था कि इसकी जो भारी श्रृंखला है उस भारी श्रृंखला को एच से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये तो इसकी दोनों हैवी श्रृंखलाएं हैं, भारी श्रृंखलाएं हैं जिन्हें हम एच से भी लिखते हैं, ठीक है। अब दो हल्की श्रृंखला आएंगी जिन्हें कहा जाएगा, जिन्हें हम एल से प्रदर्शित, ये आ गई हल्की श्रृंखलाएं, ये हल्की श्रृंखला। आप अभी तो इसी में इसका जो एपिटॉप वाला भाग है वो है पेरिटॉप, ये डाइसल्फाइड बंध से यहां पर से बने हुए हैं, ये हल्की श्रृंखला यहां अब आई है, देखो इस तरह की ये होने को तो, लेकिन वो पहले अलग जुड़ गई थी। ये हल्की श्रृंखला है लाइट चेन जो है, ये लिखा हुआ है कांस्टेंट रीजन ऑफ द लाइट चेन, जो हल्की श्रृंखला है ये उसका कांस्टेंट रीजन है और ये उसका आइडेंटिकल। देखो दो भाग थे ना उसमें, एक स्थिर भाग और एक अस्थिर भाग, तो एक ये तो अस्थिर भाग है ऊपर वाला तो, और ये नीचे वाला स्थिर भाग है, जो हल्की श्रृंखला है उसका स्थिर भाग और उसी का अस्थिर भाग, ऐसा ही इसमें है। यहां पर देखो टू शॉर्ट एल और ये लाइट चेन्स, जो लाइट चेन्स, एक लाइट चेन ये रही इधर और दूसरी लाइट चेन, मतलब हल्की श्रृंखला
एक हल की श्रृंखला इधर है और एक हल की श्रृंखला इधर है, ये इसके दो भाग हो गए, एक तो हो गया इसका वेरिएबल मतलब स्थाई भाग और एक हो गया कॉन्स्टेंट इट मीन्स स्थाई भाग। ठीक है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यहां पर देखो, यहां पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन चुके हैं, यहां पर भी डाइसल्फाइड बंद बन चुके हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में, ये देखिए थोड़ा सा आगे चला गया, इसको पीछे कर देता हूं, यहां ये देखिए एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ये जो साइट्स दिख रही हैं ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक एंटीजन्स मतलब ये क्या होगा, जो स्पेसिफिक प्रकार की जो हमारी प्रतिरक्षी है उसमें स्पेसिफिक प्रकार के एंटीजन को ही ये रोकेंगी। आगे देखिए, ये इसका पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि एक विहंगम दृश्य बन चुका है, सारी चीजें यहां पर एक साथ प्रदर्शित कर दी गई हैं। ठीक है, देखो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ये रही, फोल एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीजन बंधी साइट्स स्थल। ठीक है, फोर पॉलीपेप्टाइड चेन विच फोर ए वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स, ये पूरा वाई के आकार का मॉलिक्यूल यहां पर दिखाई दे रहा है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स यहां पर है ही। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन, ये हो गया कॉन्स्टेंट रीजन, ये उसका वेरिएबल रीजन हो गया, ये वाला वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, ये वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, मतलब ये जो भाग आपको यहां पर दिख रहा है ये नीले रंग का, ये नीले रंग का भाग इस बड़ी श्रृंखला का हैवी भारी श्रृंखला का वेरिएबल इट मींस अस्थायी भाग है, अस्थिर भाग है। ये तो अस्थिर भाग हो गया भारी श्रृंखला का, ये अस्थिर भाग हो गया हल्की श्रृंखला का, ये स्थिर भाग भारी श्रृंखला का और इधर ये स्थिर भाग हल्की श्रृंखला का। ठीक है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हो गई, एंटीजन को बांधने वाले स्थल हो गए इधर इधर, ये डाइसल्फाइड बंध्स यहां पर बने हुए हैं, ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अब देखिए ये किस प्रकार से यहां पर इनको बांध रहा है, यहां यहां ये दो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको अलग अलग कलर से, ये आ गया एंटीजन और स्पेसिफिक एंटीजन। देखो इस तरह से जो यहां पर जो पॉइंट्स ये बनाए हुए थे ये स्पेसिसिटी को दिखाने के लिए बनाए गए हैं कि ये स्पेसिफिक एंटीजन को यहां पर बांध देगा, डिफरेंट एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स मतलब अलग अलग जो एंटीजन को जो निर्धारक है वो यहां पर स्थित है, ये इनकी साइट्स हो गई। आगे देखिए, अब ये इसको बांधा और उसको खत्म कर दिया, उसको नष्ट कर दिया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये क्लियर संरचना दिख रही है, आप इस तरह का चित्र आपको अगर आ जाता है तो वहां परीक्षा में बनाना होगा। ठीक है, तो ये तो एक संरचना हमने इसकी इस तरह से दी, एक संरचना और मैं आपको दिखाता हूं 3D वाली, जिसमें थोड़ी सी इसकी क्या है रियलिटी प्रदर्शित होगी, ऐसा लगेगा कि ये ऐसी ही है क्या। देखिए इस तरह से, देखिए ये वाई शेप आपको दिख रहा है यहां पर, तो ये जो एंटीबॉडीज होती है वो तो हमने वाई क्या है हमने ड्रॉ करके बना लिया था, लेकिन जब वास्तविक संरचना इनकी देखी जाती है ये जब शरीर के अंदर देखी जाती है तो ये इस प्रकार की दिखाई देती है, जो वाई इस तरह का दिखाई देता है, दिख रहा है ना कुछ ऐसे रुई के टुकड़ों को ले लेके जोड़ के बनाया गया है क्या। अब इसमें भी अलग अलग पार्ट्स कर करके दिखाएं, ये देखो ये तो भारी हो गई और ये हल्की श्रृंखला हो गई, इसमें भी स्थिर और अस्थिर दोनों आ जाएंगी साथ में, अभी देखो यहां दिख रहा होगा ये तो अस्थिर वाला भाग, ये स्थिर वाला भाग, ये थोड़ा डार्क दिखाया हुआ है इसको, इसको थोड़ा हल्के रंग से दिखाया, इसी प्रकार से यहां पर अस्थिर स्थिर अस्थिर स्थिर हल्का और भारी कलर में दिखाया हुआ है, हैवी चेन्स भारी श्रृंखलाएं और लाइट चेन हल्की श्रृंखलाएं दोनों दिख गई आपको यहां पर। आगे आइए, अलग अलग करके भी दिखा दिया, ये वेरिएबल इट मींस अस्थिर और ये दूसरी हो गई कॉन्स्टेंट भाग, ये जो चार भाग थे एक अस्थिर और स्थिर वो चारों भाग यहां पर इन दोनों दो तो इसके और दो इसके पृथक हो चुके हैं। ठीक है, वेरिएबल इट मींस अस्थिर, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है स्थिर, ये दोनों तो स्थिर स्थिर है,
ये दोनों स्थिर स्थिर और ये दोनों अस्थिर अस्थिर भाग है इसके। ठीक है, आगे आते हैं, इनको जोड़ा, सबको वाई बना दिया। वाई बनाते ही अब इनके बाकी के नाम यहां पर अभी दे दिए जाएंगे। देखो ये इसकी लोकेशन, इस ये रेस्पॉन्स स्थिति है और ऑलिगोमर। ठीक है, ऑलिगोमर मतलब बहुत सारी श्रृंखला आपस में, बहुत सारे एकलक आपस में जुड़ जुड़ करके। अब यहां पर अंदर जो डाइसल्फाइड बंध्स हैं वो देखिए, अब आप इस तरह से यहां पर ये अंदर से इस तरह से बंधी हुई है ये श्रृंखला एक दूसरे के साथ, इस तरह से कई सारे हैं एक साथ। ठीक है, अब अलग अलग इनके टाइप्स देखिए। अब आप ये इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA, ठीक है, IgA किस कैसा होता है, ये IgA कैसा होता है, डाइमर की फॉर्म में होता है IgA, आप हमें सबको पता है। और ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए IgD, IgE और IgG, ये तीनों कैसे होते हैं, मोनोमर के रूप में, IgD, IgE और IgG। अब एक रह गया पंचलक, तो पंचलक में कौन सा होता है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले ही, कौन सा होता है, हा IgM, वेरी गुड। देखिए ये तो हो गया IgA डाइमर में, IgD, IgE और IgG, ये तीनों प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन हो गई मोनोमर में। और अब बच गई IgM, जो IgM हो गई पेंटामर या पंचलक। तो एकलक, द्विलक और पंचलक, तीनों प्रकार की यहां पर ये इम्यूनोग्लोबिन आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, आगे इसकी और कुछ डिटेल बातें हैं वो देखते जाइए आप, कि ये जो इम्यूनोग्लोबिन है, इम्यूनोग्लोबिन इस तरह से हैं और के यहां पर ये बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, बंद बना करके चिपकी हुई है, डाइसल्फाइड बंध्स SS, वहां पर पिछली वाले जो चित्र आया था उसमें देखा था कि वहां SS इस तरह से बने हुए थे। ये इनकी कुछ साइट्स हैं, हिंज पढ़े थे हमने, हिंज, वो हिंज वाले पॉइंट्स आपको अब यहां, ये जो पॉइंट्स होते हैं यहां, अभी जो थोड़ी देर पहले आपको दिखाया गया था, देखिए यहां दिखाया जाएगा इस ये वाले, ये क्या है, ये हिंज है, ये कब्जे वाले भाग है, ये थोड़े से लचीले होते हैं और ये दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, इन दोनों सिरों को यहां पर इस तरह से। इनके फ्रेगमेंट्स हैं अलग अलग फ्रेगमेंट्स, FAB, FAB फ्रेगमेंट और FC फ्रेगमेंट, ये भी हमने लिखे थे कि एक जो ऊपर वाले भाग हैं वहां पर FAB फ्रेगमेंट है और नीचे जो नीचे वाला भाग है वाई के नीचे वाला भाग, उसको हमने लिखा था FC फ्रेगमेंट। ठीक है, ये पेपेन और ये पेप्सिन दोनों में अलग अलग तरीके से यहां पर दिखाए गए हैं। ये AB है तो यहां AB2 हमने यहां वर्ड यूज कर लिया है। ठीक है, ये इनके फ्रेगमेंट्स हम इनको पढ़ चुके थे पहले, जो यहां पर आपको दोबारा से दिखाए। परीक्षा में चित्र कौन सा बनाना है, जो पहले हमने देखा था वो वाला बनाना है, क्योंकि हमारी बुक से संबंधित वो, ये तो थोड़ा सा रियलिटी की दिखाने के लिए कि वास्तव में ये होते किस किस प्रकार के हैं। ठीक है, ये कंप्लीमेंट्री टाइमेंट CDRS है। तो इस तरह से आप दोनों प्रकार के चित्रों को यहां पर देख चुके हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे इम्यूनोग्लोबिन के बारे में, जो एंटीबॉडीज के टाइप्स हमने पढ़े थे, IgA, IgG, IgM, IgE और IgD। वो एकलक कौन कौन सी एकलक है वो आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी पंचलक है और कौन सी डाइमर की है, द्विलक है। और इसके बाद बात आती है कि इनकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं। ठीक है, तो वो हमने यहां पर देख लिए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, अगला हमारा पोर्शन रहेगा रक्त और रक्त समूह, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स, वो अभी देखेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद।
फिर स्वागत है आपका। रक्त एवं रक्त समूह, देखिए हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त उपस्थित होता है, ब्लड उपस्थित होता है। सबसे पहले हम इसमें रक्त लेंगे, ब्लड के बारे में देखो मैंने उसको शायद कलर भी मैच कर दिया, रक्त का कलर यहां जो लिखा हुआ है उससे मैच कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की। तो ब्लड है क्या, रक्त क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होता है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मतलब है तो एक ऊतक, ऊतक क्या होता है, दो या दो से अधिक अंगों को जो जोड़ने का काम करता है वो कहलाता है हमारा ऊतक। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, पहला पॉइंट। संयोजी ऊतक तो है लेकिन कैसा है, तरल। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब देखिए इसकी रंग की बात की जाए कि जब रक्त तरल संयोजी ऊतक है तो इसका रंग कैसा होगा, तो रक्त का रंग कैसा होता है सभी जानते हैं हम, और वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंपटीशन में थोड़ा बहुत इसमें कलर में कई बार ऑप्शंस में नहीं आते हैं, कई बार लाल रंग नहीं आता है, वहां गुलाबी रंग आ जाता है, तो फिर आंसर वही लगाना पड़ेगा। देखिए रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है जो गाढ़ा चिपचिपा, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है और लाल रंग का होता है। ठीक है, जो गाढ़ा चिपचिपा एवं लाल रंग का होता है, गाढ़ा चिपचिपा और लाल रंग का। इसका संगठन क्या होता है रक्त का, तो रक्त का संगठन है, रक्त में दो प्रकार के, रक्त के दो भाग होते हैं, एक तो उसका तरल भाग होता है और एक उसमें कुछ कणिकाएं होती हैं। तो तरल तो प्लाज्मा है और रक्त कणिकाएं होती हैं। तो रक्त में दो चीज हो गई, एक तो प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाओं या कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त के बारे में डिटेल तो आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके होंगे, रक्त प्लाज्मा एवं कणिकाओं से, या हमें रक्त समूह पढ़ना है मुख्य रूप से, तो उसका रिवीजन भी थोड़ा थोड़ा सा यहां पर आपको करवा देता हूं जिससे आपको वो चीज स्थाई हो जाएगी। तो रक्त क्या है, प्लाज्मा और कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब इसका हम शॉर्ट में देखते जा रहे हैं सर जी, देखिए इसका काम देखा जाए तो रक्त का मुख्य काम क्या है, तो रक्त का कार्य है कि जो हमारे आते हैं जहां से जो अवशोषित भोजन, जो भोजन पोषक तत्व हैं, जो पोषक तत्व भोजन में से निकाल लिए गए हैं, उन पोषक तत्वों से, पोषक तत्वों को आंतों से तो लेना है और पूरे शरीर में पहुंचाने का काम, और पूरे शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको इकट्ठा करके उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का काम, दो काम उसके मुख्य हैं। तो रक्त आंतों से पोषक पदार्थों को लेकर, आंतों से ले लेगा और संपूर्ण शरीर तक पहुंचाएगा, संपूर्ण शरीर तक पहुंचाना एवं पोषक तत्व इकट्ठे करे और पूरे शरीर तक पहुंचाया। ठीक है, एवं संपूर्ण शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को, जो पदार्थ अब काम के नहीं है उनको, उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक
पहुंचाने का कार्य करता है। ये रक्त का मुख्य कार्य हो गया। आपने देखा होगा श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को लेके जाने का काम भी इसी का है, वो भी पोषक पदार्थ ही हो गया क्योंकि उससे पाचन होना है, ठीक है। फिर कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और भी कोई हानिकारक गैस बनी, उस हानिकारक गैस को वहां से इकट्ठा करके कहां तक लाना है, फेफड़ों तक लेके आना है जिससे उसको बाहर निकाला जा सके। इसी प्रकार से पाचन की क्रिया के द्वारा कुछ नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उस उत्सर्जी पदार्थ को लेकर के और भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ है, उन सबको लेकर के कहां जाना है, किडनी तक लेके जाना है, ब्रक तक जाना है, वहां वो छनेगा, छन करके यूरिन का निर्माण होगा। तो ये सारे काम रक्त इकट्ठा कर रहा है सारी चीजों को और उत्सर्जी अंगों तक पहुंचा रहा है, जहां उनको छान छान के रक्त को शुद्ध कर दिया जाएगा और उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको निकाल के शरीर से बाहर निकालने का काम उत्सर्जी अंग के द्वारा किया जाएगा। तो ये रक्त का तीसरा पॉइंट हो गया। अगली बात है कि रक्त बनता कहां है, रक्त कहां बनेगा, तो रक्त कहां बनेगा, अस्थि मज्जा के अंदर, लाल अस्थि मज्जा के अंदर रक्त का निर्माण होता है। लेकिन जो भ्रूण होता है उस भ्रूण में कहां बनता है, स्प्लीन के अंदर या प्लिया के अंदर भी रक्त का निर्माण होता है, ठीक है। तो रक्त का निर्माण दो पॉइंट यहां से बना देता हूं मैं, एक तो वयस्क, वयस्क में तो होगा रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, ये जो शरीर की जो मजबूत हड्डियां होती हैं उनके अंदर पाई जाती है ये संरचना, अस्थि मज्जा अस्थियों के मध्य पाई जाती है जहां पर रक्त का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं बना रहा हूं यहां पर, भ्रूण एवं शिशु, भ्रूण एवं शिशु यहां क्या होगा, स्प्लीन में या प्लिया में, ठीक है। तो भ्रूण और शिशु में रक्त का निर्माण कहां होता है, स्प्लीन और प्लिया। जो स्प्लीन होती है ना इसको रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, लेकिन वो वयस्क अवस्था में, वहां क्या होता है कि जो डेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो मृत रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, उन रक्त कोशिकाओं का वहां पर क्या कहते हैं, उनको पृथक कर देते हैं, उसमें से बर्नक को अलग कर दिया जाएगा, अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर दिया जाएगा और वो बर्नक कहां चला जाएगा, स्टूल कलर और यूरिन कलर में निर्माण किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया रक्त का निर्माण, वयस्क में तो होगा लाल अस्थि मज्जा में और भ्रूण एवं शिशु में होगा स्प्लीन में। प्लीहा, प्लीहा लिखा हुआ है ये इस तरह से, रक्त की प्रकृति कैसी होती है, रक्त इसकी प्रकृति क्षारीय है, मतलब थोड़ा सा क्षारीय, ज्यादा क्षारीयता नहीं है, हल्का क्षारीय होता है, मतलब इसकी पीएच कितनी है, लगभग 7.4, इसकी पीएच 7.4 होती है। पीएच कितनी है, 7.4, इट मींस लाइट बेसिक, हल्का क्षारीय। अब एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त पाया जाएगा, तो लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है, लगभग 5 लीटर, 6-7% के आसपास माना जाता है। तो स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है, 5 लीटर
रक्त की जो कणिकाएं होती हैं, वो रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, पहले आप पढ़ के आयो चैप्टर टू में। कौन कौन सी? एक तो बोलो, हाँ, दूसरी, बिल्कुल सही, और तीसरी प्लेटलेट्स होती हैं। तो रक्त में तीन प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, तीन प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। नंबर एक, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो एक तो हो गई लाल रक्त कणिकाएं, इनका काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन और या गैसों का परिवहन व विनिमय करती हैं, ठीक है। इनका मुख्य कार्य है गैसों का परिवहन व विनिमय, एक्सचेंज, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाना, और एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना। नंबर दूसरी है श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। ये क्या करेंगी? ये रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करने का काम करती हैं। रोगाणुओं से शरीर की करती। देखो शॉर्ट में है सब कुछ, ये रिवीजन है एक आपका, बहुत जल्दी रिवीजन है ना, दूसरे चैप्टर में आप पढ़ के आए हो इसलिए। नंबर तीन है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। बिंबाणु और प्लेटलेट्स, ये क्या करती है? रक्त वाहिनियों की सुरक्षा, कोई रक्त वाहिनी फट नहीं जाए, एवं रक्त स्राव को रोकना, रक्त का थक्का बनाने का काम इन्हीं का होता है, एवं रक्त स्राव को रोकना है। आपको रोकने का काम होता है प्लेटलेट्स का। तो ये रक्त के बारे में जो कुछ थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने यहां पर डिस्कस की हैं। अब अगला बिंदु रहेगा हमारा रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, ठीक है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं रक्त समूहों की। तो ब्लड को मैं यहां से हटा रहा हूं और इसकी जगह अब आएगा इसी बिंदु का दूसरा मुख्य बिंदु जो हमें डिटेल में पढ़ना है, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। देखिए ये जो ब्लड ग्रुप्स है
तो जो रक्त है उस रक्त को कुछ अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया, रक्त उसकी प्रकृति के आधार पर। प्रकृति कौन सी? कि जो आरबीसी है ना, उस आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन की प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले खोजकर्ता, तो रक्त समूह के खोजकर्ता है कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है। तो इसके खोजकर्ता हो गए कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, कार्ल लैंड स्टीनर, और सन था 1901। धीरे धीरे मैंने सभी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों को यहां से हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि आपने इसको लर्न कर लिया होगा। याद करना बहुत जरूरी है, लिखा हुआ तो हमें और भी कहीं मिल जाता है। विभाजित कैसे किया गया है? आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रतिजन के आधार पर, उस पर कौन सा प्रतिजन है, प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह को बांटा गया है, ठीक है। रक्त को विभिन्न समूहों में बांटा गया है। वही प्रतिजन कौन से, वही माने गए ए बी। तो जो मनुष्य का रक्त है उस मनुष्य के रक्त को ए बी ओ टाइप का रक्त भी कहते हैं, क्योंकि उसमें ए बी ओ टाइप का रक्त समूह बनाए गए हैं। ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह, इस प्रकार से। ये रक्त समूह प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड के बने होते हैं। प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड, बने हो सकते हैं। प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड के बने हो सकते हैं। तो ये लगभग इन पदार्थों के बने हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये जो एंटीजन है ना, ये एंटीजन माता पिता दोनों से प्राप्त होते हैं और एक एलीलिक रूप में पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था ना एलील युग्म विकल्पी, किसी भी एक लक्षण के दो विकल्प, तो ये माता पिता से प्राप्त होते हैं, दोनों से प्राप्त होंगे एक एक विकल्प, और एलीलिक रूप में पाए जाते हैं। हमें ब्लड ग्रुप ए है, अभी हम देखेंगे अगली क्लास में, तो इससे इसका आई ए आई ई, इस तरह से एलीलिक रूप में हम इनको लिखेंगे दोनों को। तो डिटेल तो हम अगली क्लास में देखेंगे, यहां मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि ये जो यहां के जो एंटीजन है, ये एंटीजन माता पिता से प्राप्त होंगे और एलीलिक रूप में ही प्राप्त होंगे। तो डिटेल अध्ययन इसके बारे में अगली क्लासेज में। नमस्कार।